नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर मैं हाजिर हूँ जस्टिस लोया के मामले में एक बड़ी खबर लेकर। इस बार मामला राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल उठाए हैं कुछ। उन्होंने कहा है कि जो सुहराबुद्दीन मामले में जज बदले जाने पर उठाए जा रहे हैं सवाल, ये राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि असल में पूरा मामला जस्टिस लोया का और सुहराबुद्दीन का क्या है। देखिए खास रिपोर्ट। 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद सर्किल और विशाला सर्किल के टोल पॉइंट पर हुई सुहराबुद्दीन की हत्या। सुबह तड़के 4 बजे इस सड़क पर अचानक कई चेहरे प्रकट हुए। गुजरात एसटीएस के चीफ डीजी बंजारा के साथ आए राजस्थान पुलिस के सुपरिटेंडेंट एमएन दिनेश, कांस्टेबल अजय परमार से कहा गया कि वो एटीएस दफ्तर के पीछे पड़ी एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेकर आए। सुहराबुद्दीन शेख को भी वहां लाया गया। राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठा और थोड़ी दूर जाकर अचानक नीचे कूद गया। उसी वक्त सुहराबुद्दीन को भी चलती कार से नीचे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया था। नतीजा दोनों को चोट लगी और उसी के साथ 4 पुलिस इंस्पेक्टरों ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से सुहराबुद्दीन पर 8 गोलियां दाग दी। बंजारा ने कांस्टेबल परमार से सुहराबुद्दीन के निर्जीव शरीर को सिविल अस्पताल ले जाने को कहा। आखिर एक आम गैंगस्टर से गुजरात के उस वक्त के गृह राज्य मंत्री अमित शाह की क्या दुश्मनी हो सकती थी, ये सच छिपा है गुजरात और राजस्थान में मौजूद अरबों की मार्बल लॉबी में। सुहराबुद्दीन दरअसल IPS अभय चुड़ासमा के इशारे पर इसी लॉबी से पैसे वसूल रहा था। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा चुड़ारामा डकार जाता था। कहा जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान की मार्बल लॉबी ने सुहराबुद्दीन की वसूली से आजीज आकर गृह राज्य मंत्री अमित शाह से उस वक्त के संपर्क साधा था। ये लॉबी गुजरात और राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों के लिए धन कुबेर की तरह काम करती थी। आरोप है कि अमित शाह ने अभय चुड़ामा से सुहराबुद्दीन को रास्ते से हटाने को कहा था। बहरहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है, अभी ये सुहराबुद्दीन केस अदालत में चल रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सुहराबुद्दीन का पूरा मामला हुआ। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं सुहराबुद्दीन मामले में जज बदले जाने को लेकर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुहराबुद्दीन मामले में करने जज बदले जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और पहले भी इसी मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश लोया की मौत हो गई थी और उनकी मौत से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक अन्य जज को बदलने को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बात को लेकर वो पहले भी, हमने पहले आपको बताया कि जस्टिस लोया की मौत हो गई थी और राहुल ने अपने ट्विटर पर ऑफिस ऑफ आरजी पर एक ट्वीट करके कहा है कि सुहराबुद्दीन मामले में एक और न्यायाधीश बदले गए। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति रेवती डेरे को हटा दिया गया है जिन्होंने CBI को चुनौती दी। न्यायमूर्ति जे उत्पत ने अमित शाह से पेश होने के लिए कहा था, उन्हें हटा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा न्यायमूर्ति लोया ने कड़े शब्द पूछे थे, उनकी मौत हो गई। उन्होंने ये ट्वीट इस हैशटैग के साथ किया है, लोया की मौत कैसे हुई। यानी ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि राहुल गांधी ने इस बार जस्टिस लोया मामले पे साफ तौर पर एक सवाल दागा है और हैशटैग करके जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने ट्वीट हैशटैग के साथ किया है कि लोया की मौत कैसे हुई। राहुल ने अपने ट्विटर के साथ एक वेबसाइट पर प्रकाशित खबर को टैग किया है जिसका शीर्षक है सुहराबुद्दीन शेख के ताज़े सवाल, क्योंकि मीडिया पर खबर प्रकाशन की रोक लटाने वाली CBI को आड़े हाथ लेने वाली न्यायाधीश को बदला गया है। यानी साफ तौर पर अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, बड़ी चीज़ सामने आ जाती है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि असल में क्या है पूरा सुहराबुद्दीन एनकाउंटर केस। कहा जाता है कि सुहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को गुजरात ATS ने तब अगवा किया था जब वो हैदराबाद से महाराष्ट्र जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कांस्टेबल अजय परमार से कहा था कि वो ATS कार्यालय के पीछे पड़ी बाइक को लेकर आए और बाइक पर सवार होकर राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल बाइक पर सवार होकर ठीक उसी गाड़ी के पीछे चल रहा था जिसमें सुहराबुद्दीन सवार था। कांस्टेबल थोड़ी दूर ही चल रहा था कि अचानक बाइक से कूद गया। सुहराबुद्दीन को भी चलती कार से नीचे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया। इस दौरान दोनों को गंभीर चोटें लगीं और चोट लगने के बाद पुलिस के 4 अधिकारियों ने अपनी ही बंदूक से 8 गोलियां सुहराबुद्दीन पर दाग दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुहराबुद्दीन की मौत के बाद उसकी पत्नी लापता है। कहा जाता है कि इस मामले का सिर्फ एक ही वो गवाह थी जिसकी 2016 में हत्या करती गई थी।
यानी साफ तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में। फिर उसके बाद जो उस केस की जो जांच कर रहे थे जज लोया जो थे, उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में नागपुर में मौत हो गई थी, जो एक निजी कार्यक्रम में गए थे। फिर वहाँ पर क्या हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं है। जज लोया जब नागपुर गए थे वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है, फिर वो एक RSS का एक कार्यकर्ता उनकी बॉडी को उनके गाँव पहुँचाता है, ना कि मुंबई पहुँचाता है। फिर उसके बाद निरंजन टाकले जो हैं पत्रिका जो मैगजीन है द कारमा उसके, वो उनके परिवार से बात करते हैं, उनका परिवार कहता है कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं है, उनकी हत्या की गई है। तो यानी ऐसे सवाल हैं जो वाकई में बहुत अहम हैं और बहुत हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी कड़ी है। और साथ में अब जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है जज बदलने को लेकर, जो प्रतिक्रिया दी है, जो जज बदलने को लेकर सवाल उठाए हैं, वाकई में बहुत अहम हो जाता है कि राहुल गांधी ने आकर जो जज लोया के मामले में और जो हैशटैग उन्होंने चलाया है कि जज लोया की मौत कैसे हुई, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। बहरहाल जिस तरीके से अगर हम बात आएँ CBI न्यायाधीश BH लोया की, 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में जैसे मैंने आपको बताया कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, हालांकि बाद में उनके परिवार ने इस बात को नकार दिया, उन्होंने कहा कि उनके दिल की दौरा पड़ने से नहीं हुई थी और उनकी जो है हत्या हुई थी। बहरहाल बाद में जब मामला बहुत बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा, उन्होंने भी जस्टिस लोया का मामला उठाया। फिर बाद में पूरी जब मामला बढ़ा तो फिर उनके बेटे अनुज लोया ने आकर बहुत ही, हालांकि उनकी आंखों में दर्द था, तकलीफ थी, और उन्होंने आकर भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं अब उनके पिता की जो मौत है प्राकृतिक मौत है। तो बहरहाल वो दबाव था क्या था वो एक अलग विषय है, लेकिन माना यह जाता है कि BH लोया उस वक्त अपने सहकर्मी की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे नागपुर में, तो अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई। वे उस दौरान सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे। उनकी मौत को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद कोर्ट ने ये मामला पहुंचा था जनवरी में सुप्रीम कोर्ट, लोया मामले के सभी केसों की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को इससे जुड़े लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए गए थे। यानी साफ तौर पर हम देख सकते हैं जो शुरू से कड़ी दर कड़ी जो जुड़ती जा रही है, ये साफ तौर पर अब उस तरफ इशारा कर रही है जहां पर लोग इशारा करना चाहते हैं, हालांकि खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता, हालांकि खुलकर कोई बात नहीं रखना चाहता, हालांकि सबको मालूम है कि इशारा किस तरफ जा रहा है। राहुल गांधी हो या बाकी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो सब जानती हैं कि इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो वरिष्ठ वकील हों, प्रशांत भूषण हों, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि जिनको बरी कर दिया गया है उनसे एक बार फिर पूछताछ होनी चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी सवाल हैं जिसके जवाब आखिर किससे मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये बात समझने वाली बात है। लेकिन एक जो तस्वीर जो हम देख रहे हैं लगातार जस्टिस लोया मामले में, वो एक ये तस्वीर निकल कर आ रही है कि आखिर जज लोया को अगर मारा गया है तो आखिर मारा किसने है। क्या सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर केस को जो वो देख रहे थे, क्या इस वजह से उनकी हत्या की गई है, या वाकई में उनका जो कहा यह जा रहा है कि उनकी सीने में तकलीफ की वजह से उनकी हत्या हुई थी। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कड़ियां हैं, ऐसे बहुत से ऐसे राज हैं जो दफन हैं, ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। बहरहाल राहुल गांधी का ये ट्वीट अपने आप में एक अलग तरीके का ट्वीट हो गया है और इससे अब राजनीति गर्मा सकती है, क्योंकि मामला एक बेहद संवेदनशील है, मामला एक हम कह सकते हैं कि अति संवेदनशील की कैटेगरी में आता है। अब राहुल गांधी लगातार इस पर सवाल कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात की थी 9 सांसदों ने, तो ये अब बात जो है वो निकल कर यही आ रही है कि अब ये मामला अब दबने वाला नहीं है, जस्टिस लोया की मौत का मामला शायद अब नहीं दबेगा। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे इस पर जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो क्या जवाब देते हैं, वो कब तक बचते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI न्यूज़। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.